गुड मॉर्निंग बच्चों, आज अपन एग्जांपल 9.3 से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें अपन को कह रखा है कि अब मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ इट्स मास अलोंग मास इफ इट्स मास along with the passengers is 1000 kg। मतलब पैसेंजर को ले करके इसकी मास आपको दिया हुआ है। तो देखिए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटर कार आपको u इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आर दे रखा है। इसको आप क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में पहले चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 30 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। फाइनली आप रेस्ट कर रहे हो मोटर कार को तो फाइनल वेलोसिटी अपना जीरो हो जाएगा। द टोटल मास ऑफ द मोटर कार अलोंग विद इट्स पैसेंजर ये अपना हो जाएगा 1000 kg एंड द टाइम टेकन टू स्टॉप द मोटर कार टू 4 सेकेंड दे ही रखा है आपसे, ठीक है। तो आपसे ये पूछ रखा है कि वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द एफ इज इक्वल टू अपन कह सकते हो एम वी माइनस यू अपॉन में टी। सारी वैल्यूज है, पुट कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल 9.4, इसमें अपन को कह रहा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 an acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both masses were tied together? ठीक है, तो इसमें अपन यहाँ से कह सकते हो आप कि from equation तो m1 upon a1 हो जाएगा and m2 जो है वो f upon a2 हो जाएगा। a1 अपन को दिया हुआ है 10 meter per second square, A2 आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, F दे रखा है आपको 5 न्यूटन, तो M1 अपना हो जाएगा 5/10 दैट इज़ 0.5 kg, M2 हो जाएगा 5/20 दैट इज़ 0.25 kg। अब कहता है कि दोनों मासेज एक दूसरे के साथ टाइट टुगेदर है तो दोनों का टोटल मास ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो अपन को ये हो जाएगा 0.50 एंड 0+0.25, तो इसको ऐड करेंगे तो 0.75 kg हो जाएगा। एक्सीलरेशन अपन को निकालना है तो f/m हो जाएगा। f अपन को पता है, m अपन ने निकाल लिया टोटल, उसे डिवाइड कर दो आप f में तो अपन को पता चल जाएगा कि उस पार्टिकल का या उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 9.5 में देखो बच्चों, अपन को एक क्वेश्चन है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसमें अपन को दे रखा है एक ग्राफ, इसमें कहता है हाउ मच फोर्स डज द टेबल एग्जर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, इसको रेस्ट में आने के लिए उसे कितना फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अपन देखो बच्चों, इसमें कहते हैं कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 20 cm/s, है ना, ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द टेबल द वेलोसिटी ऑफ द बॉल डिक्रीजेस डाउन टू 0 इन 10 सेकेंड, दस यू अपना हो गया 20 cm/s, फाइनल वेलोसिटी 0, टी अपने पास 10 सेकेंड है। सिंस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इट इज़ क्लियर दैट द बॉल मूव्स विद अ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, द एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन में टी कह देंगे, ठीक है। तो यह 0 माइनस के 20/10 हो जाएगा, तो ये माइनस के 2 cm/s² हो जाएगा जो डी एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और फोर्स अपन निकालेंगे तो एम ए हो जाएगा जो कि रेजिस्टिव फोर्स का यही फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, नेगेटिव साइन है, यही नेगेटिव साइन फ्रिक्शनल फोर्स को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है, जो कि टेबल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में उस बॉल को ऊपर मोशन ऑफ बॉल के अपोजिट डायरेक्शन में एक्टेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों आप लोगों को एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ गया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते किसको हैं, तो देखिए पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ फिर आप लोगों को समझा भी देता हूँ कि ये क्या चीज़ कह रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें कह रखा है कि द फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन टेल्स अस हाउ एन अप्लाइड फोर्स चेंज द मोशन एंड प्रोवाइड अस विद अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द फोर्स। अब दो जो हमने पढ़ा है उस दोनों में हमने ये देखा कि अपन मोशन के
लॉज के बारे में क्या कह सकते हैं, चेंज कैसे कह सकते हैं। और दूसरी चीज़ें हमें जो सेकंड लॉ था वो उसने हमें ये भी बताया कि फोर्स को अपन कैसे निकाल सकते हो, जैसे हम किस तरीके से फोर्स को अप्लाइड करते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंजिंग आता है जिसके कारण हम फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन को ये कह रखा है कि अ थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एग्जर्टेड अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। बिल्कुल सही है, दीज टू फोर्सेस आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि थर्ड लॉ का कहना है, न्यूटन का कहना था कि जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अपोर्ट लगा रहा है, अप्लाई कर रहा है, तो वो जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो अभी फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन फोर्स अप्लाइड करता है जो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड्स का होता है, बस उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि दीज फोर्सेस एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। कभी भी एक्शन या रिएक्शन जो है वो एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं होगा, एक्शन किसी और के ऊपर होगा, रिएक्शन दूसरे के ऊपर होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगेगा। तो अपन कहते हैं कि इन द गेम ऑफ अ फुटबॉल समटाइम्स वी व्हाइल लुकिंग एट द फुटबॉल एंड ट्राइंग टू किक इट विद अ ग्रेटर फोर्स कोलाइड विद अ प्लेयर ऑफ अपोजिट टीम, है ना, बोथ फील हर्ट। अगर मान लो वो पैर दोनों के एक दूसरे के साथ इंजर्ड हो जाए, दोनों एक दूसरे को स्ट्रक कर जाए, तो उस सिचुएशन में इंजरी होने के चांसेस बन जाते हैं। तो कहते हैं कि बोथ फील हर्ट बिकॉज इच अप्लाइज अ फोर्स टू द अदर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है ना। तो अपन कहते हैं इन अदर वर्ड्स देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस एंड नॉट जस्ट वन फोर्स, द टू अपोजिंग फोर्सेस आर ऑल्सो नोन एज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, अब अपन को बच्चों यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बता रखा है, तो इसमें कह रखा है आपसे कि लेट अस कंसीडर टू ए स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड टुगेदर एज शोन इन द फिगर। देखेंगे अपन, कहता है कि फिक्स्ड एंड ऑफ बैलेंस बी इज अटैच्ड टू अ रिजिड सपोर्ट लाइक अ वॉल। ठीक है, एक साइड हमने क्या किया, उसको वॉल से कनेक्ट कर दिया है स्प्रिंग को, और दूसरे को अपन यहाँ दो स्प्रिंग ले रखे हैं। ठीक है, अब इसमें स्केल भी लगा हुआ है जो कि रीडिंग को मेजरमेंट करेगा। ठीक है, अब अपन को कहते हैं कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड थ्रू अ फ्री एंड ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस ए, इट इज ऑब्जर्व दैट बोथ द स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग्स ऑन देयर स्केल्स। इट मीन्स दैट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस ए ऑन बैलेंस बी इज इक्वल टू द अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स एग्जर्टेड बाय द बैलेंस बी ऑन द बैलेंस ए। ठीक है, एनी ऑफ दीज टू फोर्सेस कैन बी कॉल्ड एज एक्शन एंड अदर एज अ रिएक्शन। दिस गिव्स अस एन ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, हाउ एवर इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड दैट द एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। ठीक है, ये आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे देखो बच्चों दे रखा है, जैसे ए और बी दोनों में जो रीडिंग आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो अपन जब अपन पुलिंग या पुलिंग फोर्स हम अप्लाई करते हैं, तो हम यहाँ जो देखो एक में एक का डायरेक्शन अपोजिट में है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रीडिंग को दे रखा है, तो अपन यहाँ पे यही कह देंगे कि एक का रीडिंग दूसरे के रीडिंग के बराबर है, दैट मीन्स कि एक के ऊपर एक्शन लग रहा है और दूसरा रिएक्शन शो कर रहा है, इसीलिए हम दोनों के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। और ये दोनों देखो एक्शन एंड रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, एक पे एक्शन हो गया ए बॉडी पे, तो बी पे हम क्या कहेंगे कि रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को बच्चों ध्यान में रखना है, इसी को हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। इसमें फायरिंग ऑफ गन का भी एक सिंपल सा एग्जांपल है जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो अपन स्प्रिंग बैलेंस तक का ही सेक्शन आज रखेंगे, कल अपन क्या करेंगे इसमें नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम और एग्जाम्पल आगे बताएंगे।